कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 15 दिन से सीबीआई की रिमांड पर चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से दर्ज केस में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस आदेश के बाद ईडी पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आर्थिक अपराध अलग तरह का अपराध है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कई देशों में घूमता है। यह कोई साधारण मामला नहीं है और अदालत इस तर्क से सहमत है कि पी चिदम्बरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि यह केस अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए फिट केस नहीं है। अगर इस मामले में अग्रिम जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पी चिदम्बरम नियमित जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।